स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मंडे ब्लूज कैप्शन के साथ अपने ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर क्लिक की गई फोटो 89,000 लाइक्स के साथ वायरल हो जाती है। जबकि ये फोटो किसी बॉलीवुड स्टार की नहीं बल्कि एक मशहूर आईएएस ऑफिसर की है, जो अपने इंस्टा अकाउंट्स पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। वैसे ही गैंग लड़का ब्लू ब्लेजर में फाइल्स के स्टॉक के सामने बैठकर फोटो डालता है और उसे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं लॉट्स ऑफ लव एंड इमोजीज। ठीक इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर एक यंग आईएएस ऑफिसर की अपनी पार्टनर से प्यार का इजहार करने वाली एक पोस्ट इंटरनेट पर तहलका मचा देती है। दोस्तों, ये नया भारत है जहाँ स्टार्स अब सिर्फ क्रिकेट या फिर बॉलीवुड से नहीं होते हैं। देखा जाए तो पॉपुलैरिटी की इस रेस में ब्यूरोक्रेट्स भी आगे हैं। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के साथ आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह आज इंस्टा पे एक रोल मॉडल हैं। डेली क्राइम सीरीज में उन्होंने एज एन एक्टर डेब्यू भी किया है। बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर आए दिन आपको सोशल मीडिया पे अपनी ड्यूटी और गूंज से भिड़ते दिख जाएंगे, जिन्हें लोगों ने असली सिंघम का नाम भी दे दिया है। लेकिन क्या ये ट्रेंड वाकई में अच्छा है या इसमें कोई चिंता की बात है, आज इसी टॉपिक को अपने इस वीडियो में हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में, अनुराग पांडे नाम है हमारा। और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, आप में से मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा कि आईएएस ऑफिसर्स कौन होते हैं और ये कैसे बनते हैं। फिर भी शॉर्ट में बताएं तो आईएएस एक ऑल इंडिया सर्विस है जिसका काम गवर्नमेंट पॉलिसीज को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने का होता है। दोस्तों, आईएएस और ऐसे तमाम ऑल इंडिया सर्विसेज को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास आर्टिकल 315 के अंडर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम सिर्फ लोगों के नाम रिकमेंड करना होता है। देखा जाए तो सिविल सर्विसेज के 3 स्टेजेस के एग्जाम को पास करने के बाद हमें ये क्रीम लोग मिलते हैं जो आईएएस और आईपीएस जैसे पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं। और इस तरीके से वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के बाद हमें हर साल कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स मिलते हैं। दोस्तों, हर साल फाइनल रिजल्ट के बाद हमारे न्यूज़पेपर और मीडिया टॉपर्स की कहानी और नाम से भर जाते हैं। इंडियन ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम के नाम से जाना जाता है और यही वो तंत्र है जिसकी मकसद से 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया। देखा जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनकी पावर और रेपुटेशन में कोई चेंज नहीं आया है। कॉलोनियल लेगेसी की वजह से बाबूज को भगवान का दर्जा मिला क्योंकि एक ऑल पावरफुल बॉडी हुआ करती थी और ये लेगेसी अभी भी कंटिन्यूड है। साथ ही आपको नॉर्दर्न इंडिया में सर्विस का क्रेज सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये जॉब भी एक सर्विस है। हर वर्ड के अंत में सर्विस लिखा है जिसका हिंदी में मतलब सेवा होता है, पर ये बात कुछ हद तक ही सही है कि लोग इसे सर्विस मानते हैं। जनसेवा की भावना इस सर्विस की की इंग्रेडिएंट है। बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इस भावना के साथ इस सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ के लिए सर्विस सिर्फ स्टेटस सिंबल और ग्लैमर का रास्ता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए पीटीआई का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज, या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पे 10 सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आईएएस ऑफिसर्स के 10 लाख से 30 लाख तक फॉलोअर्स हैं और उनके पोस्ट पे एवरेज लाइक्स मिलते हैं 19,000 के अराउंड। दोस्तों, उनकी पोस्ट में कुछ गवर्नमेंट स्कीम से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड फोटोज और वीडियोज होते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स धीरे धीरे इंस्टाग्रामर्स बनते जा रहे हैं और बहुत तेज पेस के साथ उन्होंने अपने आप को ग्लैमर किस दुनिया में एस्टेब्लिश कर लिया है। वैसे बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स के कंपैरिजन में अभी काफी दूर हैं, पर फिर भी इनकी प्रेजेंस सिग्निफिकेंट है। हर साल रिजल्ट के बाद आपको नए इंस्टा आईडीज आईएएस या आईपीएस सफिक्स के साथ मिल जाएंगे। बढ़ते प्रेजेंस और अपनी पॉपुलैरिटी से कुछ आईएएस ऑफिसर्स तो अपने आप को बॉलीवुड की ओर भी मोड़ रहे हैं और आए दिन आपको उनकी सॉन्ग एल्बम रिलीज होती दिख जाएगी। ऐसे एक एग्जाम्पल है यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह, जिन्होंने अपने आप को एक्टिंग के फील्ड में भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है।
दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी अपने एनोनिमिटी के लिए जानी जाती है। आप इस सर्विस में फेस नहीं होते हैं, बल्कि आप बस एक मीडियम है। ऐसे में फेसलेस और एनोनिमस सर्विसेज में अपने आप को एक फेस प्रोजेक्शन देना कहां तक मोरली करेक्टेड है? देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है और उसके तीन मेजर ऑर्गन्स में से एक एग्जीक्यूटिव है, जिसका काम है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, और इसी ऑर्गन में ब्यूरोक्रेसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। अपने आप को एज अ हीरो पोर्ट्रे करना और अपने लिए लाइक्स गार्नर करना एक ब्यूरोक्रेट को शोभा नहीं देता। बहुत से आईपीएस ऑफिसर्स अपने रेड्स और अपने ऑन ड्यूटी राउंड्स की वीडियोस और फोटोज पोस्ट करते हैं। रिसेंटली यूपी कैडर के एक आईएएस ऑफिसर ने जब ऑन इलेक्शन ड्यूटी अपने व्हीकल के साथ तस्वीर पोस्ट की तो गवर्नमेंट ने सीवियरली रिएक्ट किया और इस एक्ट को मिसयूज ऑफ पावर बताया। आप कैमरा कॉन्शियस होकर अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, आपका ध्यान आपकी ड्यूटी पे होना चाहिए, न कि वीडियो बनाने पे। हाल ही में नए ऑफिसर ट्रेनीज को संबोधित करते हुए हमारे पीएम ने कहा कि आपका ध्यान लोगों से तारीफ लेने और उनके बीच डर पैदा करने का नहीं होना चाहिए। आपकी पहचान आपका काम है, लोगों के बीच प्रेम का सेतु बनाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी लोग आपके पहली पोस्टिंग को याद करें। आपने सर्विस अपनी शादी, मेहंदी और डांस के रील्स डालने के लिए नहीं ज्वाइन की है। ये ऑफिसर्स की पर्सनल लाइफ है और ऐसी चीजों को शेयर करना गलत नहीं, पर उस पोस्ट पे जहां पर आप बैठे हैं उस हैसियत से पोस्ट करना गलत है। ढेर सारे ऑफिसर्स ट्विटर यानी कि एक्स जैसे हैंडल पे बहुत एक्टिव होते हैं और वहां पे काफी पॉपुलर भी हैं। कटहल की फोटो डालकर ये पूछना कि आपके यहाँ सब्जी का नाम क्या है, या किसी जगह की फोटो डालकर गेस करने के लिए कहना, ये कैसा पब्लिक इंटरेक्शन है? अगर कोई पोस्ट वाकई में पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करने और उन्हें सही बतलाने के लिए यूज किया जाए तो ऐसे पोस्ट का हमेशा ही मोस्ट वेलकम है। पर कोई पोस्ट सिर्फ लाइक्स या पब्लिक की नजर में बने रहने के लिए डालना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? दोस्तों, आप सर्च करेंगे तो कुछ ऑफिसर्स के पर्सनल यूट्यूब अकाउंट्स भी हैं जहां पे अपना पावर शो करते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं। फिर चाहे वो सब्जी वाले को डांटते हुए हो या डॉक्टर को उनके काम प्रॉपर न करने पे सस्पेंड करते हुए हो, वैसे तो काम कमेंडेबल है, पर इसका यूज आप लाइक्स के लिए ना करें तो बेहतर होगा। फिल्मी सीन्स और बॉलीवुडाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी से बचना चाहिए। हर एक प्रोफेशन की अपनी डिमांड होती है और अपनी लिमिटेशंस भी। ऐसे में उस प्रोफेशन की गरिमा बनाए रखना प्रोफेशन में गए हुए लोगों का ही फर्ज है। लाइक्स की बीमारी ऐसी होती है कि आप कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे आप पब्लिक की नजर में बने रहो, फिर वो चाहे कोई डांस की वीडियो क्यों ना हो। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स का काम पब्लिसिटी नहीं है, और खासकर पर्सनल पब्लिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं। मैसूरी एमपी ने पोस्ट ट्रेंड को काफी क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना है कि सिंघम रियल लाइफ इमेज नहीं बल्कि एक बॉलीवुड की कल्पना है। आपको ऐसे इमेज से बचना चाहिए और काम पे ध्यान देना चाहिए। फोटो और वीडियो नेता लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उनके अनुसार बहुत से ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को नेता से कंपेयर करने लग गए हैं और अपनी एक इमेज पब्लिक में क्रिएट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि लीडर्स डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उन्हें पब्लिक इमेज की फिक्र भी होती है और उनके लिए पब्लिसिटी नीडेड भी है, न कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए जिन्हें सरकार से काम करने की तनख्वाह मिलती है, वीडियो शूट करने के लिए नहीं। दोस्तों, उनका ये भी एलिगेशन है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स अपनी प्रोफेशनल पीआर टीम भी हायर करते हैं। पीआर टीम इनकी इमेज की ब्रांडिंग करती है और इन्हें एक सुपरस्टार की तरह रिप्रेजेंट करती है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी का मानना है कि एक फाइन लाइन होती है। वैसे ऑफिसर्स जो कैरिस्मेटिक हैं और उनमें जो कांस्टेंट अटेंशन सीकर हैं, उन्होंने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर का पोस्ट देखकर मैं हैरान रह गया। एक दिन में 4 से 5 नए कपड़ों के साथ नए फोटोज, मुझे तो लगा कि वो कोई फैशन मॉडल है। ऐसे ही बहुत से ऑफिसर्स के पोस्ट फीड में फूड, ब्लॉगिंग, फैशन और मीम्स जैसे चीज ज्यादा देखने को मिलते हैं जिनका ब्यूरोक्रेटिक रोल से कोई संबंध नहीं है। वैसे ट्विटर यानी कि एक्स फील्ड भी कुछ अलग कहानी बयां करती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर का कम्युनिकेटिव होना एक हुनर है, पर उस हुनर को सही जगह लगाना भी एक अच्छे ब्यूरोक्रेट का गुण है। ऐसे में चीज के लिए जितना जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनसे कहीं अधिक हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें क्यूरियोसिटी होती है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की। हम जानना चाहते हैं कि वो कर क्या रहे, वो कैसे सो रहे हैं और पूरे दिन क्या करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी को अटेंशन देंगे तो वो आपको और सीख करने की कोशिश करेगा। भारत में पर्सनैलिटी वर्शिप की परंपरा काफी पुरानी है, फिर चाहे वो नेता की हो, स्पोर्ट्स पर्सन की हो या फिल्म स्टार, यूट्यूबर या कोई आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया आने से पॉपुलैरिटी पाना और भी आसान हो गया है और कोई भी किसी भी वक्त पॉपुलर बन जाता है। पर बाकी लोग और एक ब्यूरोक्रेट में डिफरेंस होता है उसकी पोस्ट का। ब्यूरोक्रेट से हमेशा ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, क्योंकि उन्हें काफी लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। बिहार के एक मशहूर आईपीएस ऑफिसर ने सोशल मीडिया पे काफी वायरल पोस्ट डाले जिसके पीछे वजह थी उनकी पॉलिटिक्स में आने की मंशा। उन्होंने इसके लिए वीआरएस भी ले लिया, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देखा जाए तो ऐसे ही पॉलिटिक्स में आने को ललायत ऑफिसर सोशल मीडिया को एज ए मीडियम इस्तेमाल करके अपनी इमेज बनाने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया से मोनेटाइजेशन भी एक अलग इशू है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि एक्स पे आपको ऐसे कितने ऑफिसर्स मिल जाएंगे
जो हर दिन अपडेट्स और पोस्ट करते हैं, जिनका ब्यूरोक्रेसी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। नाम के आगे IPS, IAS या फिर IFS लगाकर अपने लाखों फॉलोअर्स को एंटरटेन करना इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। पर दोस्तों, अभी तक हमने इसका सिर्फ एक ही पक्ष जाना, आइए समझते हैं कि इसके डिफेंस में ब्यूरोक्रेट्स का क्या कहना है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये ऑफिसर्स बनते हैं। कितने लोग अपना प्राइम यूथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में लगा देते हैं। प्रिपरेशन का फेज एक एस्पिरेंट का सबसे मुश्किल फेज होता है। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए सोशल लाइफ और सोशल मीडिया तक की कुर्बानी देनी पड़ जाती है, और उस वक्त जब हमारे दोस्त सोशल मीडिया और अपनी लाइफ में बिजी होते हैं तो फेज हम मिस कर जाते हैं। पर ऑफिसर बनने के बाद की कहानी अलग होती है। दरअसल उस खोई हुई लाइफ को फिर से जीने की चाहत हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव कर देता है, और सोशल मीडिया से हम अटेंशन सीख करना चाहते हैं, जो कि प्रिपरेशन के टाइम नहीं मिली थी। जिसमें सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया पे अपनी अप्रिसिएशन और लोगों के बीच में पॉपुलरिटी का, ये देखकर उनको पास्ट में वेस्ट किया मजा वर्थ इट लगता है। दोस्तों, IAS ऑफिसर से जब सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहने का कारण पूछा गया तो उन्होंने पब्लिक कनेक्टिविटी और अवेयरनेस को इसका कारण बताया। एक लिमिट तक ये बात तर्कसंगत भी लगती है, पर इसका कॉन्ट्रेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि गवर्नमेंट बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट से टाइम टू टाइम अवेयरनेस फैलाने का काम करती है। गवर्नमेंट के कुछ डेडिकेटेड सोशल मीडिया हैंडल्स स्कीम और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में हमेशा इन्फॉर्म करते रहते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि ऑन एवरेज ऑफिसर्स के 10 में से सिर्फ 2 पोस्ट ही गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में होती है, बाकी सब उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट पब्लिक कनेक्टिविटी का है, जिसे हम आपके विवेक पर छोड़ देते हैं कि ऑफिसर्स कितने इजीली आपके लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों, पूरे तरीके से सोशल मीडिया को नकारा भी नहीं जा सकता। सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल से हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को और भी इफेक्टिव कर सकते हैं। साल 2018 में आई केरला फ्लड्स में वहां के IAS ऑफिसर्स ने सोशल मीडिया पे वॉलंटियर की अपील की थी, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में वॉलंटियर्स टर्नअप हुए। देखा जाए तो COVID-19 क्राइसिस के दौरान भी टाइमली और इफेक्टिव सोशल मीडिया के यूज ने कितने लोगों की जान बचाई। वैक्सीनेशन ड्राइव में सोशल मीडिया पे ऑफिसर्स की अपील और इफेक्टिव यूज ने हमें क्राइसिस से लड़ने में हेल्प की। वही यूपी में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट बस्ती के ज्वाइंट कमिश्नर प्रकाश मीना के द्वारा किया गया। दरअसल बस्ती महोत्सव के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग की और इवेंट मैनेज किया। कोविड के टाइम रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के IPS संतोष सिंह ने 14 लाख मास्क पब्लिक यूज के लिए सोशल मीडिया की हेल्प से अरेंज किए। बिहार के सारण जिले के DM डॉक्टर नीलेश देवरे जब छपरा पर्सनल विजिट पर गए थे तो वहां उन्होंने एक बहुत ही खराब कंडीशन में पड़ी डस्ट सेमेट्री की फोटो डाली। तो उनके फोटो का नतीजा ये हुआ कि उस सेमेट्री को रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट और सिविल एजेंसीज ने पहल की। सोशल मीडिया की हेल्प से क्राइम्स और फ्रॉड्स के प्रति मुंबई पुलिस लगातार जागरूक करती रहती है। वहीं बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव टूल बना लिया है। समय समय पर अपडेट्स और मीम के जरिए यूथ को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के भी सजेशंस दिए जाते रहते हैं। आप देखेंगे तो ऐसी बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूज कर लोगों के जीवन में सुधार लाने की कोशिश की गई है। हालांकि पब्लिसिटी के लिए हंगरी होना ब्यूरोक्रेट्स के काम में रुकावट जरूर पैदा कर सकता है। IAS ऑफिसर्स को उनके अपने काम से जाना जाना चाहिए। TN शेषन, आर्मस्ट्रांग पाम, SR संकरन और यू सागाहम जैसे न जाने कितने नोटेबल ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने अपने काम से अपना नाम इतिहास में दर्ज किया है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एनानिमिटी रखना शामिल है, पर डिजिटल मीडिया एक लूपहोल है। हालांकि प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब ये सोशल मीडिया का यूज अपने पब्लिक इमेज और सेल्फ ब्रांडिंग बनाने में करते हैं। टेक सेवी यंग ऑफिसर्स ने सोशल मीडिया को एक इफेक्टिव टूल की तरह यूज किया है। जरूरत है तो सिर्फ सेल्फ कंस्ट्रेंट और पब्लिसिटी स्टंट से बचने की। सिविल सर्विसेज एक रेपुटेटेड और रिस्पॉन्सिबल सर्विस है, और ब्यूरोक्रेट्स हमारे समाज के आदर्श हैं। एक रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट की तरह क्रेडिबल और पब्लिक उपयोगी पोस्ट डालना हमारे समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल साबित होगा। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करके जा रहे हैं, जिसे आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, और इसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।